हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ये कॉन्सेप्ट सभी लर्नर्स ऑफ इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं और इंग्लिश आपका अकेडमिक्स के सिलेबस में है तो भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीचर हैं, बच्चों को कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं तो आपके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखनी पड़ती है, एसेज हैं, लेटर्स है, रिपोर्ट है, प्रेस राइटिंग है, अगर ये लिखना पड़ता है, इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। तो ये एक ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट है जो विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लर्नर ऑफ इंग्लिश। वट एवर द पर्पज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कॉन्सेप्ट जो है ये आपके वॉइस चैप्टर से रिलेटेड है एंड इट इज द वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। फंडामेंटल, नॉट इवन वन ऑफ द फंडामेंटल्स, इट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। ये वॉइस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस? देयर आर टू क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉइस चैप्टर। व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस? हम पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं और कब हमें पैसिव वॉइस का यूज करना ही चाहिए या करना ही होता है? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज पैसिव वॉइस is used? Why is passive voice used? कि passive voice का use क्यों करते हैं? Now we will discuss this question. हम इस question को discuss करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा इसका answer. But before that, I want you to pause this video for a few seconds and think, why do we need to ask this question? ये क्वेश्चन हमें पूछने की जरूरत क्यों है? ये क्वेश्चन हम क्यों पूछेंगे या कोई भी पूछेगा तो क्यों पूछेगा? सपोज आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया या नहीं आया, ओके? किसी के भी दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हम पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉज होगा? क्यों क्यों ऐसा उसको सोचना पड़ेगा? व्हाट विल मेक हिम थिंक दिस क्वेश्चन? व्हाट विल मेक हिम आस्क दिस क्वेश्चन? किसी भी लर्नर के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अभी आप क्या कीजिए, तुरंत इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन ही हमने क्यों पूछा। क्वेश्चन का आंसर तो समझ लेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट ये क्वेश्चन कोई पूछेगा तो क्यों पूछेगा? व्हाई? ओके, लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन के पीछे वजह ये होती है, देयर आर थ्री रीजंस दैट आई विल टेल यू। तीन रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किसी लर्नर के दिमाग में आ सकता है। द वेरी फर्स्ट रीजन, एकेडमिक्स के जो टीचर्स होते हैं, दे आस्क देयर स्टूडेंट्स नॉट टू यूज पैसिव वॉइस। आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने, हो सकता है आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर रहेंगे, उन्होंने आपसे कहा हो कि ऐसे लिखते समय, लेटर लिखते समय, क्वेश्चन के आंसर्स लिखते समय पैसिव वॉइस का यूज ना करें या ज्यादा यूज ना करें। हमारे टीचर्स ने भी कहा था, ठीक है। हम भी अगर अकेडमिक्स के लिए बच्चों को जब पढ़ाते थे या फिर कभी पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम भी उनसे ये कहेंगे कि टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पैसिव वॉइस इज कंसीडर्ड बैड, अ बैड प्रैक्टिस। एक तो इस वजह से बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि जब टीचर्स मना करते हैं कि ज्यादा पैसिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का यूज नहीं करना है, तो फिर हम क्यों यूज करते हैं? द फर्स्ट रीजन। द सेकेंड, मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो, आप में से ज्यादातर जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं कि एक्टिव और पैसिव वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। एक्टिव वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हाइल द पैसिव वॉइस इज द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ वॉइस। एक्टिव वॉइस इज द प्राइमरी वर्ब फॉर्म,
वाइल पैसिव वॉइस इज द ट्रांसफॉर्म्ड वर्ब फॉर्म। आप में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे, और जो भी ये बात जानता है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम पैसिव वॉइस क्यों यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस वर्ब की प्राइमरी फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस वर्ब की ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वर्ब ओरिजिनली एक्टिव फॉर्म में ही होती है, एक्टिव वॉइस में होती है, पैसिव में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। पैसिव वर्ब की डिफॉल्ट फॉर्म कह लीजिए या ओरिजिनल फॉर्म या प्राइमरी फॉर्म नहीं होती है, उसको ट्रांसफॉर्म करके हम पैसिव बनाते हैं। तो इस वजह से अगर किसी लर्नर को यह बात पता है तो वो ये सोचने के लिए मजबूर होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पैसिव वॉइस यूज करते हैं, भाई ट्रांसफॉर्म करते ही क्यों है। सेकेंड रीजन, एंड देयर इज वन मोर, द थर्ड रीजन, कि किसी के दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आएगा व्हाई इज पैसिव वॉइस यूज, तो मैं दो रीजन आपको बता चुका हूं जिसकी वजह से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। एक थर्ड रीजन कि जब हमें एक्टिव पैसिव चेंज करना सिखाया जाता है तो वहां पर हमें बताया जाए या बिना बताए हम जान जाएं, हमें यह पता होता है कि सेंटेंसेस के मीनिंग और टेंसेस सेम रहते हैं। एग्जाम्पल, कमल इनवाइटेड सरल, सरल वॉज इनवाइटेड बाई कमल। अब हमें पता है कि यह वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म में है और यह वर्ब पैसिव फॉर्म में है। लेकिन अगर यह वर्ब की फॉर्म एक्टिव पैसिव को हम छोड़ दें तो इनका जो टेंस है और मीनिंग है दोनों सेंटेंसेस का वो सेम है। टेंस और मीनिंग इन सेंटेंसेस का सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन द टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस की वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की वर्ब, मीनिंग भी सेम। ठीक, तो ये तीन, अब बच्चा सोचेगा कि अगर टेंस भी सेम है मीनिंग भी सेम है तो आपने एक्टिव से पैसिव क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, टेंस भी वही रहना है मीनिंग भी वही रहना है तो आपको चेंज ही नहीं करना चाहिए था। ओके, सो दीज आर द थ्री रीजंस, दीज आर थ्री सिनेरियोज इन विच अ लर्नर इज कंपेल्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई इज पैसिव वॉइस यूज्ड। मैं फिर से सिचुएशंस बताता हूं। द फर्स्ट सिचुएशन कि जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं, टीचर्स अकेडमिक्स में, अकेडमिक स्कूल लर्नर्स जो होते हैं, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स उनको कहते हैं कि पैसिव वॉइस का यूज नहीं करना है या पैसिव वॉइस का यूज ज्यादा नहीं करना है। एक तो इस वजह से बच्चा सोचने को मजबूर होता है कि क्यों नहीं, मतलब अगर नहीं करना है, मना कर रहे हो तो हम क्यों करें फिर इसको। ओके, सेकेंड, एक्टिव वॉइस जो होती है वर्ब की प्राइमरी फॉर्म होती है, पैसिव उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया जाता है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं। एंड द थर्ड रीजन कि एक्टिव और पैसिव वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, अगर किसी एक वर्ब को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि ना वर्ब का टेंस चेंज होता है ना मीनिंग चेंज होता है, तो भी हम ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि फिर हमने ऐसा क्यों कर दिया, हम क्यों करते हैं ऐसा जब मीनिंग भी नहीं चेंज होता, टेंस भी नहीं चेंज होता। ओके, आई विल एक्सप्लेन दीज क्वेश्चन टू यू नाउ, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू सम बेसिक्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक्स हैं जो मैं चाहता हूं पहले एक बार आप समझें। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस में, कमल रिवाइज्ड, कमल रिवाइज्ड द होल सिलेबस। कमल रिवाइज्ड द होल सिलेबस। ओके, इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आप पैसिव बना सकते हो या जिसका पैसिव बनाया जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर होता है क्या कि एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इस वर्ब के साथ में लिखा गया ऑब्जेक्ट है।
इसके बाद में आपको और क्या ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है ये डूअर है, वर्ब एक एक्टिव एक्शन है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। कमल सब्जेक्ट है और इस एक्शन का, इस वर्ब का डूअर है। ये जो वर्ब है ये एक एक्टिव एक्शन है क्योंकि इसका सब्जेक्ट इसका डूअर है। द होल सिलेबस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। एक पॉइंट, वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट आप समझिए। ये जो सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस में और प्रेडिकेट जो होता है, ये दो पार्ट हो गए। ये पार्ट हो गया सब्जेक्ट, ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट। अब अगर आप ये बात पहले से जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो आगे ध्यान रखना है क्या कि जो आपका सेंटेंस होता है, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो एक मैसेज होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस एक मैसेज होता है, ठीक। उस मैसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो टॉपिक होता है, ये टॉपिक ऑफ द मैसेज है, और प्रेडिकेट जो है वो डिटेल्स ऑफ द टॉपिक है। इजी, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। द होल सेंटेंस इज अ मैसेज, पूरा सेंटेंस एक मैसेज होता है। कमल रिवाइज द होल सिलेबस, इट इज अ मैसेज किसी के लिए, जिसको भी हम ये बताएंगे बोल कर लिख कर, ये एक मैसेज है जो उस तक जाएगा। ये जो मैसेजेस के दो पार्ट हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट इज द टॉपिक ऑफ द मैसेज एंड द प्रेडिकेट इज द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो टॉपिक जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट ही होता है, तो आप कहेंगे एक सब्जेक्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है, ठीक है। प्रेडिकेट उसके बारे में डिटेल्स होते हैं। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो होता है क्या बेसिकली, ये पिछले एग्जांपल से आप समझिए। ये जो पिछले आपके पैसिव, ये हमने पैसिव बनाए, इनमें आप देखिए क्या हुआ। यहां पर टॉपिक ऑफ द मैसेज क्या है, कमल। यहां पर टॉपिक ऑफ द मैसेज क्या है, सरल। तो मीनिंग सेम है, टेंस सेम है, लेकिन आप देखो टॉपिक चेंज हो गया। यहां पे मैसेज ऑफ द टॉपिक जो था वो कमल था, डूअर। यहां पे मैसेज ऑफ द टॉपिक जो है वो सरल है, रिसीवर। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कि अगर आपका टॉपिक है डूअर देन यू यूज अ वर्ब इन पैसिव वॉइस, अगर आपका टॉपिक है रिसीवर देन यू यूज वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो अगर हम आपको कहें तो इसका मतलब ये निकला कि हम किसी भी वर्ब का जो वॉइस चेंज करते हैं तो वॉइस चेंज कर कर एक्चुअली हम अपने मैसेज का टॉपिक चेंज कर रहे होते हैं। इफ यू हैव टू चेंज द टॉपिक ऑफ द मैसेज देन देयर इज ओनली वन वे, यू चेंज द वॉइस, आप वॉइस चेंज कर दो। इन जनरल सिचुएशन, इन यूजुअल कंडीशंस, द सब्जेक्ट इज डूअर एंड दैट इज द टॉपिक, वही आपका टॉपिक होता है। बट लेकिन इन सर्टन सिचुएशंस यू माइट नीड टू मेक समथिंग एल्स द टॉपिक ऑफ द मैसेज, देन यू हैव टू चेंज द वॉइस। ओके, तो अगर हम वॉइस चेंज करते हैं किसी भी वर्ब का या किसी भी सेंटेंस में वॉइस चेंज करते हैं तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है, टू चेंज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। ओके, यहां आइए। अब आप देखोगे कमल सब्जेक्ट है, रिवाइज द होल सिलेबस प्रेडिकेट है, तो सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, ये है डिटेल और ये है, सॉरी, ये है टॉपिक और ये है डिटेल। अब हम यहां पर चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो पूरा प्रेडिकेट है ये हमारा टॉपिक बन जाए मैसेज का, या जो प्रेडिकेट में लिखा गया ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट का टॉपिक बन, वो हमारा मैसेज का टॉपिक बन जाए। फिर से समझ लीजिए, मतलब एक मतलब सेटल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई होप कि मैं इस बात को आपको समझा लूंगा और तो आप समझ भी जाओगे। देखिए अभी ये जो सेंटेंस लिखा है, कमल रिवाइज द होल सिलेबस, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक मैसेज है, इस मैसेज का टॉपिक है कमल। अब हम चाहते हैं कि इस मैसेज का मीनिंग भी चेंज ना हो, लेकिन इसका टॉपिक जो है वो कमल ना रहे, वो या तो ये पूरा प्रेडिकेट टॉपिक बन जाए या फिर ये प्रेडिकेट में लिखा गया जो ऑब्जेक्ट है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ये टॉपिक बन जाए।
तो अब इनमें से विच इज द इजी वे? द इजी वे इज टू मेक द ऑब्जेक्ट द टॉपिक. ऑब्जेक्ट को टॉपिक बनाना इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि टॉपिक इज ऑलवेज समवन और समथिंग. ऑब्जेक्ट इज अ नाउन. नाउन्स आर समवन और समथिंग. नाउन्स समवन या समथिंग होते हैं, तो ऑब्जेक्ट समवन या समथिंग होता है तो हम उसको टॉपिक बना लेते हैं. बट आई टेल यू अ वे इन विच यू कैन मेक द होल प्रेडिकेट द टॉपिक. मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा, मतलब एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप पूरे प्रेडिकेट को भी टॉपिक बना सकते हैं सेंटेंस का. लेकिन सबसे पहले जो कॉमन तरीका होता है, जिस तरीके से आपको वॉइस चेंज करना सिखाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में, ओके, पहले हम उसको ही डिस्कस कर लेते हैं. हम इसमें जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ऑब्जेक्ट जो कि एक समवन है, उसको टॉपिक बना लेते हैं. तो इसका हम पैसिव चेंज करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा. इसका पैसिव क्या बन जाएगा? द होल सिलेबस वॉज रिवाइज्ड बाय कमल. अब इस सेंटेंस में हमने क्या किया? द होल सिलेबस जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको टॉपिक बना लिया. द होल सिलेबस को हमने क्या किया? टॉपिक ऑफ द मैसेज बना दिया. द होल सिलेबस, बाकी उसकी डिटेल्स हो गई, वॉज रिवाइज्ड बाय कमल. ये डिटेल्स ऑफ द टॉपिक हो गए, ठीक है, और ये आपका टॉपिक हो गया, पैसिव बन गया. अब अगर हम चाहें कि ये जो पूरा प्रेडिकेट पार्ट था यही हमारा टॉपिक बन जाए, तो आप इसको कैसे पैसिव बनाओगे, इसको कैसे टॉपिक बनाओगे? इसको टॉपिक बनाने के लिए आपको इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट आपको समस्याएं हो जाएंगी. क्या समस्या होगी? सबसे पहली कि अगर आप इस पूरे प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाओगे, ओके, तो ये जो फाइनाइट वर्ब है ये सब्जेक्ट बन नहीं पाएगी. फाइनाइट वर्ब्स कैन नॉट बी द सब्जेक्ट. फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर रेफरेंस टू एक्शंस, दे आर रेफरेंस टू एक्टिविटीज. ओके, सब्जेक्ट शुड बी समवन और समथिंग. कोई नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होना चाहिए. तो एक तो ये आपको प्रॉब्लम होगी. दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप रिवाइज द होल सिलेबस को, प्रेडिकेट को, इसको सब्जेक्ट की पोजिशन पर कंसिडर कर लो कि ये सब्जेक्ट है, तो इसका कोई ना कोई प्रेडिकेट भी आपको यूज करना पड़ेगा. प्रेडिकेट बिना मेन वर्ब के बन नहीं सकता. मेन वर्ब आपने सब्जेक्ट में एडजस्ट कर ली तो आपके पास अब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं बची, तो आपका सेंटेंस नहीं बन पाएगा. दो समस्याएं हो जाएंगी जिस वजह से आप प्रेडिकेट को टॉपिक नहीं बना पाओगे. बट देर इज अ वे, यू नो, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. एक तरीका है कि आप पूरे प्रेडिकेट को भी बना सकते हो. कैसे? देखिए, ये वो तरीका है जो आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक. देखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, द रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस वॉज डन बाई कमल. ठीक, अब आप देखोगे यहां पर ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है जो कि एक मैसेज है, द रिविजन ऑफ द होल सिलेबस वॉज डन बाई कमल, इसमें वॉज डन बाई कमल जो है ये प्रेडिकेट है. ये प्रेडिकेट है, मतलब ये डिटेल्स हैं. और ये डिटेल्स किसके बारे में है? द रिविजन ऑफ द होल सिलेबस के बारे में. द रिविजन ऑफ द होल सिलेबस क्या है? टॉपिक है. अब देखिए, द रिविजन ऑफ द होल सिलेबस और रिवाइज द होल सिलेबस सेम है, सेम है, ठीक है. तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट. तो बेसिकली ये जो हमारा सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, कमल रिवाइज द होल सिलेबस, जब हम इसको पैसिव बना रहे हैं, जब हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है. वी आर सिंपली चेंजिंग द टॉपिक. वी आर चेंजिंग द टॉपिक ऑफ द मैसेज. ठीक है, हम मैसेज के टॉपिक को चेंज कर रहे हैं. तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो हमारा पहला फंडामेंटल क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस.
और वाई पैसिव वॉइस इज यूज. सो द आंसर इज टू चेंज द टॉपिक ऑफ द मैसेज. जो हमारा मैसेज होता है, द सेंटेंस इज अ मैसेज, तो हमारा जो मैसेज होता है उस मैसेज का जो टॉपिक होता है उसको चेंज करने के लिए हम वॉइस चेंज करते हैं. दैट इज द ओनली रीजन. ओके, एंड मैं आपको एक क्वेश्चन, मैंने आपको एक रीजन बताया था कि पैसिव वॉइस को लेकर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों आता है. उसका एक रीजन मैंने आपको क्या बताया कि ऑफन टीचर्स डिस्करेज स्टूडेंट्स, टीचर्स अक्सर बच्चों को डिस्करेज करते हैं पैसिव वॉइस यूज करने के लिए. क्यों वो ऐसा करते हैं, टीचर्स क्यों डिस्करेज करते हैं स्टूडेंट्स को, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो इन तीनों एग्जाम्पल्स को अगर देखोगे. तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है एक्टिव वॉइस में, कमल रिवाइज द होल सिलेबस, इस सेंटेंस में 5 वर्ड्स यूज हुए, लेकिन जब हमने इसको एक्टिव पैसिव बनाया इस तरीके से, द होल सिलेबस वॉज रिवाइज बाई कमल, तो आप देखोगे देर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. एंड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस द रिविजन ऑफ द होल सिलेबस 6 and 4, 10 वर्ड्स. देर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. तो वी आर सेइंग द सेम थिंग, हम एक ही बात को डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में कह रहे हैं, हम एक ही बात को डिफरेंट टॉपिक्स का यूज करके कह रहे हैं, बट मीनिंग तो तीनों सेंटेंसेस का सेम है. दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, ऑल दीज 3 सेंटेंसेज हैव द सेम मीनिंग, मीनिंग सेम है. ये बात आपने यहां पर 5 वर्ड्स का यूज करके कही है, इस बात को कह, इस तरीके से इसी बात को कहने के लिए आपको 7 वर्ड्स का यूज करना पड़ गया, और उसी बात को इस तरीके से कहने के लिए आपको 10 वर्ड्स का यूज करना पड़ गया. तो होता क्या है कि जो आपके पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्टिव स्ट्रक्चर्स से ज्यादा लंबे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो पैसिव सेंटेंसेस आर लॉन्गर देन दोज इन एक्टिव वॉइस, एंड पैसिव सेंटेंसेस आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई टीचर्स डिस्करेज स्टूडेंट्स टू यूज पैसिव वॉइस टू फ्रिक्वेंटली. तो पैसिव वॉइस का जो फ्रिक्वेंट यूज होता है उसको इसीलिए टीचर्स के द्वारा डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर लॉन्गर देन एक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड दे आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो देयर आर चांसेस दैट स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक्स. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया. नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड, व्हाई इज पैसिव वॉइस यूज्ड? पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू चेंज द टॉपिक ऑफ द मैसेज. सो व्हाट इज मैसेज? द सेंटेंस. व्हाट इज टॉपिक? द सब्जेक्ट. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, व्हेन शुड पैसिव वॉइस बी यूज्ड? व्हेन शुड पैसिव वॉइस बी यूज्ड? और व्हेन डू वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस? दैट इज अंडरस्टूड. ओके, तो हमें पैसिव वॉइस कब यूज करनी होती है या कब यूज करनी चाहिए? एटलीस्ट इतनी देर में आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर आपके पास ऑप्शन हो एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करने का, देन यू शुड यूज पैसिव वॉइस. आप कोई ऐसे लिख रहे हो, आप कोई पोएम लिख रहे हो, आप कोई लेटर लिख रहे हो, आप कोई काउंटर आर्गूमेंट लिख रहे हो, आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, देन यू शुड यूज पैसिव वॉइस. प्रेफरेबली पैसिव वॉइस शुड बी प्रेफर्ड. ओके, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए या एक्टिव वॉइस ही यूज करनी पड़ती है. अब वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें एक्टिव वॉइस को नहीं पैसिव वॉइस को प्रेफर करना चाहिए या हमें पैसिव वॉइस यूज करनी पड़ती है? ओके, आई डिस्कस दिस सिचुएशंस विद यू वन बाय वन. एक एक करके मैं आपके साथ ये सिचुएशंस डिस्कस करता हूं. आप इन सिचुएशंस को समझें, ओके, एंड यू पुट देम इन प्रैक्टिस. आप और आप इनको अपने प्रैक्टिस में भी लाएं. जब आप मैसेज लिखें, जब आप लेटर लिखें, जब आप कोई ऐसे लिखें या जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो इन बातों का ध्यान रखें, इन पॉइंट्स को ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग ही एक्टिव पैसिव वॉइस को यूज करें. देखिए, द फर्स्ट सिचुएशन इन विच यू हैव टू यूज अ पैसिव वॉइस, पहली सिचुएशन जिसमें आपको पैसिव वॉइस यूज करनी पड़ती है, इफ द डूअर इज अननोन. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके लिए डूअर अननोन है, तो अब आप क्या करोगे?
आपको डूअर नहीं पता है कौन है, तो आप उसको टॉपिक कैसे बना सकते हो? टॉपिक इज ऑलरेडी नोन. टॉपिक हमेशा कौन होता है? जिसके बारे में हमें पता हो. इफ देयर इज समवन अननोन, देन हाउ कैन वी मेक इट द टॉपिक? हम उसको अपने मैसेज का टॉपिक कैसे बना सकते हैं जिसके बारे में हमें पता ही ना हो? तो हम वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं. तो पहली सिचुएशन व्हेन यू हैव टू यूज अ वर्ब इन पैसिव वॉइस, इफ द डूअर इज अननोन. मैं एग्जाम्पल से भी ये बात आपको समझा देता हूँ. देखिए एग्जाम्पल समझिए. द फर्स्ट व्हेल वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रॉन्जेस. वन मोर एग्जाम्पल. देयर हाउस वॉज ब्रोकन इन टू व्हेन दे वर ऑन वैकेशन. अब आप इन दो एग्जाम्पल्स को देखिए. पहला एग्जाम्पल में यह बताया जा रहा है कि जो पहला व्हील था, ठीक है, चक्का पहिया, उसको डेवलप किया गया था ब्रॉन्ज एज में. किसने किया वो हमें नहीं पता, हमारे पास उसका रिटन कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हु वॉज द पर्सन. देर मस्ट हैव बीन समबडी, जरूरी कोई रहा होगा, बट कौन वो नहीं पता. ठीक है, हिस्ट्री में भी नहीं उसका कोई मेंशन है. सो द डूअर इज अननोन, एब्सोल्यूटली अननोन. ठीक है, तो ये आप पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो. फिर हमने लिखा देयर हाउस वॉज ब्रोकन इन टू व्हेन दे वर ऑन वैकेशन, कि जब वो छुट्टियों पर थे तो उनके घर में मतलब सेंध मारी, चोरी हो गई. अब चोरी किसने की, अगर पुलिस ढूंढना चाहेगी तो ढूंढ लेगी. ठीक है, जो भी चोर रहे होंगे कहीं तो रहते होंगे, कोई तो उनका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ तो होगा, कुछ तो पासपोर्ट वगैरह होगा, बट हमें नहीं पता, हमारे लिए वो अननोन है. तो हमने पैसिव वॉइस यूज कर लिया. तो ये पहली सिचुएशन हो गई जो आपको ध्यान रखनी है. इफ द डूअर इज अननोन, यू शुड यूज अ पैसिव वॉइस. अगर डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो अननोन आइडेंटिटी का है, एब्सोल्युटली अननोन है या टेम्पररली अननोन है, मतलब ये टेम्पररली अननोन है, इनका पता चल जाएगा बाद में. ठीक है, ये परमानेंटली अननोन है, एब्सोल्युटली अननोन है. ठीक, तो इधर वे किसी भी तरीके से अननोन है, चाहे डूअर आपके लिए टेम्पररली अननोन है, बाद में हो सकता है पता चल जाएगा, जब पता चल जाएगा तब एक्टिव यूज कर लेना. ठीक है, जब तक नहीं पता तब तक पैसिव यूज कीजिए. या फिर वो एब्सोल्युटली अननोन है, ना पता था ना है ना कभी पता चल पाएगा, तो फिर हमें से पैसिव यूज करते रहना है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप पैसिव यूज कीजिए. उसके बाद में अनदर सिचुएशन व्हेन यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस, इफ द डूअर इज इररिलेवेंट. ठीक है, अगर हम किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो जहां पर डूअर आपके लिए इररिलेवेंट है, डूअर इज नॉट रेलिवेंट, डूअर रेलिवेंट नहीं है, मतलब जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें डूअर की कोई रेलिवेंस नहीं है, तो आप पैसिव वॉइस यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिखा द थीव्स हैव बीन, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड. सेकेंड, सम स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट. थर्ड सेंटेंस, the injured people were taken to hospital.
नाउ से अब देखिए यहां पर आप हैव बीन अरेस्टेड पैसिव, वर पनिश्ड पैसिव, वर टेकन टू हॉस्पिटल पैसिव. हमने लिखा था थीव्स हैव बीन अरेस्टेड कि चोरों को अरेस्ट कर लिया गया. दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अब अगर आप ना बताओ कि किसने अरेस्ट किया तो भी आपका लिसनर जान जाएगा कि किसने अरेस्ट किया, बिकॉज दैट इज द जॉब ऑफ द पुलिस. ये पुलिस की जॉब है और पुलिस ने ही किया होगा. ठीक है, तो अगर आप जनरल रेफर कर रहे हो पुलिस डिपार्टमेंट को, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पुलिसमैन की बात नहीं कर रहे हो, तो द डूअर इज नॉट रेलिवेंट. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट दे हैव बीन अरेस्टेड. नाउ विच पुलिसमैन हैज अरेस्टेड देम, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, सम स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट. कुछ स्टूडेंट्स को पनिश किया गया देर से आने के लिए. अब यहां तो आप अरेस्टेड से ये समझ लोगे कि यहां भी पुलिस ने ही अरेस्ट किया होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज डन बाय पुलिस. ठीक, अब स्टूडेंट्स को लेट आने के लिए पनिश किया, तो पनिश तो माता पिता भी कर सकते हैं. ठीक है, कोच भी कर सकते हैं, बड़ा भाई भी कर सकता है. तो यहां पे आप कैसे पता लगाओगे? सब्जेक्ट से. सम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मीन्स द वन हु पनिश देम मस्ट हैव बीन द टीचर. उनका टीचर ही रहा होगा देर से आने के लिए. अगर स्टूडेंट्स को भी पनिश करेगा तो पड़ोसी तो नहीं करेगा. अगर कोई स्टूडेंट देर से आया है क्लास में तो जो टीचर है स्टूडेंट का वही उसको पनिश कर सकता है. पीएन नहीं कर पाएगा, फ्रेंड्स नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे. ठीक, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है. सो दैट इज नॉट दैट मच रेलिवेंट. इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है कि आप उसको डूअर को स्पेसिफिकली टॉपिक बना के मैसेज का इंट्रोड्यूस करो. दैट इज अंडरस्टूड. ओके, फिर हमने लिखा था इंजर्ड पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल, कि जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. अब ये बताना यहां पर कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि कौन लेकर गया. हो सकता मैं ही लेकर गया हूं या मेरा दोस्त लेकर गया हो, लेकिन यहां पे दोस्त लेकर गया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये था कि हाँ भाई हॉस्पिटल वो पहुंच गए, अब उनको देखभाल उनकी हो रही है. तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर हमारा जो डूअर होता है दैट इज इधर इनसिग्निफिकेंट, या तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कॉन्टेक्स्ट में कि हम उसको टॉपिक बनाएं. ठीक है, या वो ऑब्वियस होता है. ऑब्वियस होता है कि अगर आप नहीं भी बताओगे तब भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि कौन रहा होगा. तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज करना चाहिए. ठीक, ये हो गया. एक इसका मैं कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे हम लोग जब, अब तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बहुत होती है. मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन पर कोई ऑर्डर बुक किया और उसके बाद में कोई मतलब डिलीवरी बॉय आपके घर पे ऑर्डर दे गया. देन यू रिसीव एन एसएमएस, आपको एक एसएमएस रिसीव होता है, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली. ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमने पैसिव वॉइस यूज किया. पैसिव वॉइस यूज किया, वजह क्या है? द पर्सन हु डिलीवर्ड द पार्सल और हु डिलीवर्ड द ऑर्डर इज नॉट दैट मच, इज नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस. वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है कॉन्टेक्स्ट में. तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर आपका डूअर इररेलीवेंट है. इररेलीवेंट का मतलब है इधर दैट इज इनसिग्निफिकेंट, या तो वो इनसिग्निफिकेंट है कॉन्टेक्स्ट में. ओके, दैट इज नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, और इट इज ऑब्वियस. इट इज ऑब्वियस इन जनरल. ओके, तो जैसे टीचर है तो स्टूडेंट को पनिश टीचर करेगा, अरेस्ट किसी को पुलिस करेगी, ऑपरेशन या सर्जरी कोई डॉक्टर करेगा. ठीक है, दीज आर अंडरस्टूड. तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन यूज पैसिव वॉइस एंड यू शुड यूज पैसिव वॉइस. ओके, थर्ड सिचुएशन इन विच यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस, साइंटिफिक और लीगल प्रोसेसेस. ओके, जो साइंटिफिक और लीगल प्रोसेसेस होती हैं उनको भी, जैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो उनको भी पैसिव वॉइस में ही एक्सप्रेस करना बेहतर होता है. दिस शुड बी एक्सप्रेस इन पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड एट रूम टेम्परेचर
कन्वर्ट इनटू ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस में कन्वर्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस करना होता है। एक दूसरा देखिए, द बेल पैटर्सन हैज बीन रिजेक्टेड अगेन। तीसरा देखिए, लेट द टेम्परेचर बी रिकॉर्डेड इन एवरी 15 मिनट्स। नाउ सी, पैसिव पैसिव और पैसिव। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो टॉपिक होता है, और जो डिटेल होती है वो एक तरीके की प्रोसेस होती है, इवेंट होती है। जो साइंटिफिक और लीगल प्रोसेसेस के केस में आपको पैसिव वॉइस यूज करने के लिए एडवाइस किया जाता है, इसके पीछे वजह यह होती है कि द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द वन हु डज इट, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड काइंड ऑफ। ठीक है, यहां पर क्या है, द बेल पेटिशन वॉज हैज बीन रिजेक्टेड अगेन। तो वी नो दैट मैजिस्ट्रेट और द जज मस्ट हैव डन इट। मैजिस्ट्रेट या जज ने ही ऐसा किया होगा, बेल पेटिशन को रिजेक्ट किया होगा। सो द डूअर इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, सो यू कैन से दैट द डूअर इज इरेलेवेंट, यूज पैसिव वॉइस। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, साइंटिफिक प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। जो आपकी प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज डूइंग इट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो जो आपके साइंटिफिक और लीगल प्रोसेस होती हैं इनको आप पैसिव वॉइस में यूज कीजिए, इनमें पैसिव वॉइस का यूज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जनरल फैक्ट्स। जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, जैसे जो जनरल फैक्ट्स होते हैं उनको भी आप पैसिव वॉइस में यूज कीजिए, जनरल फैक्ट्स को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए, फूड इज प्रिजर्व यूजिंग सॉल्ट और शुगर। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, ये अब हमें पता है कि ये जो सिचुएशंस हमने लिखी हैं ये जनरल फैक्ट्स हैं। भाई बुक्स को पेपर पे ही प्रिंट किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा पब्लिकेशन या कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो कि अपना हटके काम करे और वो कहे कि नहीं, हम पेपर पे नहीं, हम तो कपड़े पर, ठीक है, या फिर किसी अदर मटेरियल पर प्रिंट करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप एक्टिव वॉइस यूज करना है, क्योंकि वहां पे फिर वो डूअर सिग्निफिकेंट हो गया कि भाई दुनिया इस तरीके से काम कर रही है और ये अलग तरीके से काम कर रहा है। तो वो जो डूअर है वो आपका टॉपिक होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अदरवाइज यहां पे कोई पर्टिकुलर डूअर या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लेकर बात नहीं की जा रही है, तो आपका टॉपिक जो है दैट इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, वो आपका लिटिल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज कीजिए। तो जो जनरल फैक्ट्स होते हैं इनमें आप पैसिव वॉइस को यूज कीजिए, जहां पर आप बात किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ना कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आप पैसिव वॉइस यूज कीजिए। इसके बाद में वन मोर सिचुएशन, हम पैसिव वॉइस का यूज और भी जगह आपने देखा होगा किया जाता है, कब, टू अवॉइड बीइंग ब्लेम्ड
और क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसिज्म और ब्लेम को अवॉइड करने के लिए भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। आप देखिए, एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, दिस फोन कैंट बी रिपेयर्ड, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड हियर, सम रूल्स हैव बीन मैनिपुलेटेड। अब आप देखिए, पैसिव पैसिव पैसिव, अभी हमने पैसिव यूज किया। इनको आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट से समझिए कि आप किसी पर्सन के पास गए, आपका फोन खराब हो गया रिपेयर करवाने के लिए, कि भैया फोन रिपेयर कर दीजिए। अब वो पर्सन है किसी वजह से फोन को रिपेयर नहीं कर सकता या फोन आपका रिपेयर नहीं हो सकता। सो देयर आर टू वेज टू से दिस थिंग, इस बात को कहने के दो तरीके होंगे। एक तरीका है कि वो फोन आपको वापस देगा पर्सन और आपसे कहेगा आई कैन नॉट रिपेयर दिस फोन, आई कैन नॉट रिपेयर दिस फोन। तो इसका मतलब आप क्या मानोगे कि दिस पर्सन इज नॉट दैट मच एक्सपर्ट, इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है कि फोन को आपका रिपेयर कर दे, इसका मतलब ये माना जाएगा। बट इफ द पर्सन सेज दिस फोन कैन नॉट बी रिपेयर्ड, सो ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द, ही इज नॉट ओपन टू द क्रिटिसिज्म और ब्लेम। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है आई कैन नॉट रिपेयर दिस फोन, सो द पर्सन इज ओपन टू क्रिटिसिज्म और ओपन टू ब्लेम, नॉट एक्चुअली ब्लेम बट ओपन टू क्रिटिसिज्म, कि वट काइंड ऑफ टेक्नीशियन यू आर, वट काइंड ऑफ इंजीनियर यू आर इफ यू कैन नॉट रिपेयर अ फोन। बट इफ ही सेज दिस फोन कैन नॉट बी रिपेयर्ड, सो नाउ ही इज नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म और ब्लेम। तो कोई ब्लेम है या क्रिटिसिज्म है उससे अगर आप अपने को बचाना चाहते हो, देन यू यूज वर्ब इन पैसिव वॉइस। क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड हियर, आप किसी मॉल में गए या किसी शोरूम में गए, किसी भी जगह गए और वहां पर लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड हियर, आप जाएंगे तो आप पाएंगे यही लिखा भी होता है, कहीं भी आप ये लिखा हुआ पाओगे भी नहीं कि वी डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। अगर करता होगा तो लिख देगा वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, ये तो लिख देगा, बट ये नहीं लिखेगा वी डोंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। क्यों नहीं लिखेगा? बिकॉज देन ही विल बी ओपन टू क्रिटिसिज्म कि भाई आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। तो अगर उस क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो ये लिखेगा क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ही डज नॉट वॉन्ट टू फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है, फॉर नॉट प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सर्विस। तो वो लिख देगा कि क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, और अगर एक्सेप्ट करता होगा, कोई स्टोर है वहां पे क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट हो सकती है, तो फिर वहां पर दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स या ये लिख दीजिए क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड, इधर इज करेक्ट, करेक्ट तो दोनों है। लेकिन पैसिव में फिर यू शुड प्रेफर पैसिव वॉइस। सम रूल्स हैव बीन मैनिपुलेटेड, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ रूल्स को मैनिपुलेट किया गया, ठीक है। अब डिस्कशन हो रहा है मीटिंग में, सारे मेंबर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन समवन सेज सम रूल्स हैव बीन मैनिपुलेटेड, कि कुछ रूल्स तो देखो मैनिपुलेट किए गए हैं। नाउ द पर्सन इज नॉट ओपन टू ब्लेम, अगर ये लिख दिया जाए कि वी हैव मैनिपुलेटेड सम रूल्स, या आर स्टाफ हैज मैनिपुलेटेड सम रूल्स, या आर ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनिपुलेटेड सम रूल्स, देन यू आर ओपन टू ब्लेम, यू आर एक्सेप्टिंग इट, ओके, यू आर मेकिंग योर सेल्फ वल्नरेबल टू ब्लेम। बट इफ समवन सेज सम रूल्स हैव बीन मैनिपुलेटेड, देन द पर्सन इज कीपिंग हिमसेल्फ ऑफ द ब्लेम। तो फिर से समझ लीजिए, देयर आर फाइव सिचुएशंस दैट आई हैव टोल्ड यू इन विच यू शुड यूज अ वर्ब इन पैसिव वॉइस। द फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन द डूअर इज नॉट नोन, इफ द डूअर इज अननोन देन यू शुड यूज अ वर्ब इन पैसिव वॉइस। द सेकेंड सिचुएशन, साइंटिफिक, इफ द डूअर इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, इफ द डूअर इज इररिलेवेंट, सेकेंड सिचुएशन। थर्ड, while talking about scientific experiments or legal procedures you should use passive voice. Fourth, general facts which are not about some specific doer or specific person, in such situations you should use a verb in passive voice. And the last situation,
इफ यू डोंट वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ ओपन टू ब्लेम और क्रिटिसिज्म देन यू वुड बेटर यूज अ वर्ब इन पैसिव वॉइस. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स एवरीबडी. मीट इन द नेक्स्ट क्लास. आपको ये सेशन कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं. और अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाया है आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी. आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9999119159. प्लीज डोंट मेक कॉल्स. कॉल ना करें, भूल से भी ना करें, ठीक है. सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज. तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक. इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर मतलब कुछ भी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. एंड दिस PDF, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी ID है ASEC English. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीबडी. कीप एंजॉयिंग लर्निंग इंग्लिश. बाय.